शिव महाकल्याणकारी हैं, शिव आदि देव हैं। पुराणों के हिसाब से शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए हैं वहाँ वहाँ उनका स्वरूप वास करता है और उसे ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा भी गया है, अवतार नहीं अंश हैं हम, महादेव के वंश हैं हम। डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति द्वारा कलकत्ता महानगर के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में शिव परिवार मंदिर बनवाया गया। शुक्रवार को मंदिर में शिव परिवार कृष्ण राधा हनुमान की स्थापना हुई। पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिवरात्रि के दिन शिव आरती हुई और विधिवत तरीके से मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर का नाम कुंदकेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है। इसका उद्घाटन जिला पूर्व अध्यक्ष लीने सरला अग्रवाल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर बनवाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था जहाँ ग्रामीण पूजा कर सकें। यहाँ मंदिर बनने से सभी लोग बहुत खुश नजर आए। मंदिर निर्माण एक सरोवर के किनारे खुले मैदान में हुआ है जिससे मंदिर की सुंदरता में चार चांद लग गया है। उद्घाटन समारोह के पश्चात सभी ग्रामवासियों को ठंडाई पिलाई गई। सभी को 5 तरह के फल भी वितरित किए गए। सभी का शिवरात्रि का व्रत होने के कारण 300 ग्रामवासियों को वहां की प्रथा के अनुसार खिचड़ी का भोग प्रसाद स्वरूप खिलाया गया। मंदिर के उद्घाटन समारोह में क्लब की सभी सदस्याएं उपस्थित थीं। आनंदपुर में हेरिटेज स्कूल के पीछे बस्ती में झील के किनारे एक पार्क है जहाँ चबूतरे पर बस्ती वाले शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें गर्मी और बारिश में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। उनके रिक्वेस्ट पर लिनस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति की सभी क्लबों द्वारा बस्ती वालों के लिए पक्का शिव जी का मंदिर बनवाया गया जिसका नाम उन्होंने कुंदकेश्वर महादेव रखा। और आज शिवरात्रि और वुमेंस डे के दिन इसका विधिवत इनॉग्रेशन किया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति की सभी क्लबों के सभी लिनस मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ। युवा शक्ति से बात करते हुए सरला अग्रवाल ने कहा कि हमारी प्रेसिडेंट सुमन बागला ने मंदिर का सपना देखा था। वे अभी हैदराबाद में हैं, फिर भी हमारे क्लब के सभी मेंबरों ने बहुत अच्छा साथ दिया। एक मेंबर राजश्री का हमें विशेष सहयोग मिला। एक बहुत अच्छा मंदिर तैयार हो गया। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट दीपिका जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बागला जी की गैरहाजिरी में काम को इतने अच्छे से संभाला। उद्घाटन के लिए आज शुभ दिन था। वैसे इसका निर्माण कार्य कुछ बाकी है और बाद में धीरे धीरे बाहर का काम भी पूरा किया जाएगा। प्रेसिडेंट सुमन जी बागला ने ये सपना देखा था और उन्होंने अथाह प्रयास किया इसको सक्सेस करने का, लेकिन कुछ उनकी शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से वो हैदराबाद गई हुई हैं, हमारे बीच में अभी नहीं है। और उसने बहुत मेहनत की, हमारे क्लब के हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी मेंबरों ने बहुत अच्छा साथ दिया जिसकी वजह से आज हम इस मंदिर का निर्माण कर पाए। और हमारे सार्थक क्लब का विशेष सहयोग था, उनकी एक मेंबर राजश्री जी जिनका हमें विशेष सहयोग मिला और आज आपके सामने है कि बहुत अच्छा मंदिर तैयार हो गया है। ये हमारे लिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए शान की बात है कि उन्होंने इतना बढ़िया परमानेंट प्रोजेक्ट किया। इसके लिए मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट दीपिका जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यहाँ हमारी ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट नहीं होने के बाद भी काम को इतने अच्छे से संभाला। और जो कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है मंदिर का, वो आज इनॉग्रेशन के लिए एक शुभ दिन था तो शिवरात्रि के दिन हम लोगों ने कर लिया। बाकी अब इसके बाद में आज पूजा अर्चना के बाद वो धीरे धीरे बाहर का काम कुछ बाकी है वो तैयार हो जाएगा।
यहाँ पे इन लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ घर पे दूर दूर तक कोई अच्छा मंदिर नहीं है, कोई भी पूजा का स्थान नहीं है, तो बेटर रहे आप बना दें। तो सुमन जी ने फिर ये आगे बढ़ के आग्रह लिया बहुत, लेकिन इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया ऐसे बन जाएगा। इतनी दूर होके भी उन्होंने सीख संभाल लिया। लिपिका जयपुरिया ने युवा शक्ति को बताया कि ग्रामीण इलाके में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिससे यहाँ के निवासी इस कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। आज हम सब कलकत्ता महानगर के पास में एक ग्रामीण इलाके में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया है। WV1 शक्ति कोलकाता के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारी सारी क्लब ने मिलकर अपना योगदान दिया है। सभी सेवादाताओं का को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामीणवासी इस कार्य को हमारा द्वारा किया गया इस कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें यहाँ पर पूजा करके बहुत लाभ होगा। समारोह में जो सदस्य आई थे उनके नाम हैं डिस्ट्रिक्ट पूर्व अध्यक्ष सरला अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट पूर्व अध्यक्ष शोभा अग्रवाल, 2024 डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष लिपिका जयपुरिया, उपाध्यक्ष कविता शॉ, सचिव उमा जाजोदिया, श्वेता चांदगोठिया, सुनीता हमीरवासिया, कुसुम बागला, विनीता चौधरी, नीलू अग्रवाल, विनीता अग्रवाल, रेणु जैन, रीना केडिया, सुनीता तोदी, वीना अग्रवाल, रितु खरकिया, स्नेहा सराफ, सरिता गोयल, सुनीता चौधरी, अपर्णा चौधरी, संगीता नारनोलिया, बेला पोद्दार, राजश्री गुप्ता, भारती जैन, सुधा जालान, रूबी अग्रवाल, सरोज झावर आदि। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज शिवरात्रि है और ये शंकर जी का मंदिर ही हम लोगों के प्रयास से बन गया है। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत गांव वालों के सभी के आभारी कि उन्होंने भी बहुत हम लोग को सहयोग दिया, सारा दिन काम को संभाला, नहीं तो हम लोग तो इतना काम नहीं संभाल सकते थे। बट हमको फंड बहुत अच्छे से मिल गया, हमारी सब बहनों ने फंड दिया तो मंदिर बन गया सुंदर। और ये मंदिर यहाँ गांव में दूर दूर तक कुछ भी नहीं होने से ये मंदिर की मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पूजा अर्चना होगी। और आज वुमेंस डे था, वो भी एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए, इसीलिए हमने आज इस मंदिर का उद्घाटन किया है। मैं सहयोग क्लब की प्रेसिडेंट रेणु जैन। हम लोगों ने आज वुमेंस डे पे एक एक्टिविटी की है। एक लेडी है जिनके हस्बैंड की आइज़ नहीं है, उनको हम हर महीने 1100 रुपये देते हैं। आज हम लोगों ने उसको 11000 रुपये उसके ऑपरेशन के लिए दिया है। मंदिर का ओपनिंग हुआ है, इतना मन हर्षित है, उसके लिए हम कह नहीं सकते कुछ भी। जो ग्रामवासी जो मंदिरटार नाम हमारे मैंने चक्कलखाल ग्रामवासी मंदिर कमिटी, মন্দিরটার নাম আমরা প্রতিষ্ঠা দেবো আমরা। তারপরে ম্যাডামদের একটা আপনাদের এথা আছে, নেম প্লেট আছে, সেই নেম প্লেটও থাকবে, ওটা ভগবানের ব্যাপারটা আছে। বলতে গেলে প্রথম বসেছিলাম যে বটগাছটা আছে, বটগাছটা বসেছিলাম, তো আমরা ভাবতে পারিনি যে এত বড় আজকে এত বড় একটা মন্দির তৈরি হবে। আমরা এত আমরা প্রথম পুজো করেছিলাম একটা ছবি দিয়ে, ভোলে আবার পিকচার দিয়ে, তো ওই পিকচার থেকে আমরা সবাই মিলে একটা ঠাকুর বানিয়েছিলাম। হর সাল 8 মার্চ কো মহিলা দিবস মানা যাতা হ্যাঁ। 8 मार्च को यह दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहन करना है। महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना ताकि वो जागरूक बने। ऑल इंडिया लीनेस क्लब एक लेडीज क्लब है जो कि पूरे भारत में है। ये क्लब सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि 2024 की अखिल भारतीय लीनेस अध्यक्ष कोलकाता से सुमन बागला हैं। कहा गया है कि नारी तुम मुस्कुराती रहो, यही कामना है, तुम सितारों जैसी चमको, यही आशा है, लोगों के लिए प्रेरणा बनो और आगे बढ़ो, अपना हर सपना तुम यूं ही पूरा करो। महिला दिवस पर संस्थाओं के सदस्यों ने कई सेवा कार्य किए, जैसे सूखा अनाज वितरण, महिलाओं में सैनिटरी पैड वितरण, इसके अलावा महिलाओं को स्वच्छता की जानकारी दी गई और बच्चों में स्नैक्स का वितरण किया गया। आज का दिन डिस्ट्रिक्ट WV1 शक्ति के लिए यादगार दिन रहा। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।